जीका वायरस क्या है, लक्षण, उपचार और सावधानियाँ। देखिए, जीका वायरस एक ऐसा वायरस जो लोगों के लिए इतना खतरनाक है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वायरस पर ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दी है। यह ब्राज़ील समेत कई अन्य अमेरिकी देशों में फैला हुआ है और इन्हीं देशों के आने वाले लोगों के द्वारा इसके विश्व के अन्य देशों में फैलने के आसार हैं। यह जीका वायरस, इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, फैमिली फ्लेविबिलिटी से है और जीनस का फ्लेवी वायरस है। जीका वायरस का पहला मामला वर्ष 1947 में युगांडा में पाया गया था। इसके बाद दशकों तक इसके बेहद कम मामले सामने आए, जिस कारण वैज्ञानिकों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन 2013 के बाद और विशेषकर 2015 में इसके कई मामले सामने आए हैं और ब्राज़ील की एक बड़ी आबादी इसकी चपेट में आने लगी। जीका वायरस से खतरा। जीका वायरस जानलेवा नहीं होता, लेकिन इसके कारण गर्भवती महिलाओं को बहुत खतरा होता है। इस वायरस की वजह से गर्भ में पल रहे बच्चे का मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है और यह एक अस्थायी समस्या बन जाती है। जीका वायरस के कारण बच्चों में अविकसित मस्तिष्क के दोष को माइक्रोसिफेली नाम से जाना जाता है। सिम्टम ऑफ जीका वायरस, जीका वायरस के लक्षण क्या है, तो खासकर महिलाओं में देखें, हेडक, फीवर, पेन, फुल आर्थराइटिस माने दर्द और लाल आँखें, जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द, इचिंग, खुजली होती है, मसल पेन, मांसपेशियां दर्द होती है। ये जो बालक आप देख रहे हैं, ये माइक्रोसिफेली रोग से ग्रसित है। इसका सिर और मस्तिष्क दोनों कम विकसित होता है आम बच्चे की अपेक्षा। ये भी प्रभावित शिशु है। जीका वायरस की जाँच, जिस प्रकार डेंगू और चिकनगुनिया की जाँच होती है, उसी प्रकार जीका वायरस की जांच भी होती है। ब्लड टेस्ट के द्वारा इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति प्रभावित देश या जगह से आया हो और उसे बुखार या अन्य कोई लक्षण दिखे, तो तुरंत इसकी जांच करानी चाहिए। भारत में जीका वायरस का खतरा। भारत में भी इस बीमारी के कई केसेस पाए गए हैं। भारत में सबसे पहले इसके 3 केस अहमदाबाद के गोपी नगर में देखा गया। लेकिन अगर कोई शख्स जीका वायरस से प्रभावित जगह से लौट कर आता है, तो उसे खास ध्यान रखना चाहिए। ऐसे शख्स को अगर बुखार है तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग को बताना चाहिए और टेस्ट कराना चाहिए। अभी तक जीका वायरस से निपटने के लिए किसी दवाई या वैक्सीन का निर्माण नहीं हुआ है। ऐसे में मच्छरों से बचना ही एकमात्र उपाय है। सामान्य उपचार इसके देख लें। CDC के अनुसार जीका इन्फेक्शन से लड़ने के लिए अभी किसी इंजेक्शन या दवाई को ईजाद नहीं किया गया है। इसे पीड़ित व्यक्ति को पूरी तरह से आराम करना चाहिए, खूब सारा पानी पीना चाहिए, बुखार की सामान्य दवाई लेनी चाहिए। जीका वायरस से संक्रमित होने पर खुद को मच्छर से के काटने से बचाना चाहिए, अन्यथा यह वायरस मच्छरों द्वारा अन्य लोगों में पहुंच सकता है। पीड़ित रोगी का मच्छरों से बचाव बहुत जरूरी है। नोट, बुखार आने पर एस्प्रिन, ब्रूफेन जैसी दवाइयां बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ये एडीज एजिप्टी नाम का मच्छर है जो इस रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए खास निर्देश है। गर्भवती महिलाओं को यह सुझाव दिया गया है कि वह अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या जीका प्रभावित अन्य देशों में ना जाएं। जीका वायरस से प्रभावित जगहों पर रहने वाली गर्भवती महिलाओं को निम्न बातों का ख्याल रखना चाहिए। खुद को मच्छरों को काटने से बचाना चाहिए, रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए और मच्छरों के काटने से बचने वाली क्रीम लगानी चाहिए। अगर मच्छरों के काटने पर सिरदर्द, हल्का बुखार, लाल आँखें, जोड़ों में दर्द जैसे लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर गर्भवती नहीं है तो कुछ दिनों के लिए प्रेगनेंसी के प्लान को टाल देना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को मच्छरों से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जीका वायरस के कारण उनके गर्भ में पल रहे बच्चों के मस्तिष्क को सबसे अधिक नुकसान होता है। मित्रों, यदि हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है, इसे लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे और लोग जागरूक हो सकें और इस वायरस से बच सके। धन्यवाद।